इसने दिया, भाई ने दिया खाने को, और भाई उधर से जंगल से लेकर आ रहा था। तो ये क्या बोलते हैं इधर तुम लोग अपने मतलब लैंग्वेज में, इसको क्या बोलते हैं? नींबू पानी। अच्छा नींबू पानी। यहाँ पे ना सारे घर में सारे लोगों के पास गन रहते हैं। यही बैड एक्सपीरियंस था, बट कोई नहीं यार, ऐसा होते रहता है क्योंकि ये नागालैंड है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। दे दो, मैं भी खेलूंगा। कैसे हो? हेलो, हेलो इंडिया, कैसे आप सब? मैं ठीक हूँ और स्वागत करता हूँ सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो गाइज, मैं उस वक्त नागालैंड का मॉन विलेज में, मॉन टाउन अलग है, जो सिटी होता है सिटी अलग है, एंड विलेज अलग है। विलेज से सिटी अराउंड 13-14 किलोमीटर के आसपास है, जो कि आज मैं जाने वाला हूँ वहीं पे। और सुबह का कुछ ऐसे वाले नज़ारे आप देख लो, ठीक है? इधर वाले घर कितने मस्त वाले घर है, एंड उधर भाई साहब अभी फ्रेश हो रहा है, स्नान कर रहा है। और यहाँ पर ना कल रात में मतलब ठंडी काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, मतलब लग नहीं रहा था क्योंकि रात में ठंडी ज़्यादा होता है और दिन में आप देख सकते हो धूप वाली सिस्टम है। तो ऐसे करके सिस्टम हुआ जी, मतलब रात में किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं हुआ। उधर वाले जो किचन है ना, किचन वाले शेड के अंदर हम लोग लगा लिए थे, जहाँ पे कुकिंग किया था कल रात में। कल वाली ब्लॉग अगर आप लोग देखे होंगे तो आपको पता होगा। और मैं भी इस वक्त बाहर वाले साइड में निकल रहा हूँ कुछ मज़े लेने के लिए। और अभी जो टाइम हो रहा है, थोड़ा लेट सोकर उठा हूँ, अभी 8 बज रहा है। और 8 बजे देख रहे हो धूप कितने मतलब तेज़ हो गया, कितना ज़्यादा तेज़ हो गया धूप। तो ऐसा मतलब होता है यहाँ पे, क्योंकि जो है ना यहाँ पे मतलब अंधेरा पहले हो जाता है 4-4:15 बजे के आसपास, एंड मॉर्निंग भी बहुत ही पहले हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा पहले हो जाता है। तो ऐसे करके हुआ था। और दिक्कतें तो कल वाली ब्लॉग अगर आप देखेंगे तो आपको पता होगा, ऊपर वाले साइड में गया था बट रहने का कोई दिक्कत नहीं हुआ। बट ये जो चेयरमैन साहब का जो घर है, मेन हेड, उनके घरों में रहने का बहुत जुगाड़ भी हो गया, एंड काफ़ी मतलब इज्जत किया उन्होंने, तो हमें अच्छा लगा इस चीज़ में। और काफ़ी सारे जो भी सामान वगैरह जो थे खाना वाना बनाने के लिए, वो मेरे को दुकान से नहीं लेने दिए, उन्होंने बोला कि आप लोग खुद से कुक कर लो, मैं सामान दे देता हूँ। तो सारा का सारा सामान कल हमें मिल गया था, एंड कल का खाना भी अच्छे से बनाया। और अभी चलकर खाना बनाते हैं, खाना खाएंगे। और आज है संडे वाला दिन, तो संडे वाला दिन थोड़ी सी दिक्कतें ये आता है कि आज हिचैकिंग में, आज तो मैं निकल जाऊंगा बट देखता हूँ हिचैकिंग में गाड़ी वगैरह चलेगी या नहीं, क्योंकि लिफ्ट जो है ना, मतलब लिफ्ट लेने के लिए गाड़ी भी तो चलना चाहिए, ऐसा मार्केट वगैरह सारे बंद होते हैं मॉर्निंग वाला टाइम में। ठीक है जी, अभी अपना चाय भी हो चुका है और फिर से देखते हैं क्या अभी खाना वाना बनाते हैं, थोड़ी बहुत शॉर्ट में जो बनाना होगा। उसके बाद भी पहले विलेज को एक्सप्लोर करूंगा थोड़ी बहुत, एंड उसके बाद फिर यहां से निकल जाऊंगा। तो आज संडे वाला दिन हिचैकिंग होगा नागालैंड में, तो देखते हैं कैसा वाला सीन है। और इधर कुछ देख लो, इधर जंगल वाले ऐसे वाले एरिया है पूरा का पूरा। इधर घर अपना पता नहीं है क्या बना हुआ है, मेरे को नहीं पता, काफ़ी मॉडर्न है। एंड उधर वाले घर भैया का, पुराने पुराने घर, वो भी भैया कल काफ़ी हेल्प किया हमारे, मतलब ऊपर जाकर थोड़ा जगह हुआ दिलाने में, लेकिन ऊपर कोई लोग माना ही नहीं, क्योंकि बात ही है बॉर्डर वाले साइड में अगर आप आते हो तो यही सब दिक्कतें होता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग समझते हैं टेररिस्ट है, ऐसे वैसे, मतलब बड़े बड़े बैग देखते हैं तो पूछते हैं बैग में क्या है, समझाना पड़ता है उनको, टेंट है हमारे, कपड़े हैं। तो ऐसे वाली दिक्कतें इधर वाले साइड में आता है, इधर वाले क्या हर जगह पे आएगा। आप जम्मू कश्मीर चले जाओ, किसी भी बॉर्डर वाले एरियाज में आप चले जाओ तो ये सब दिक्कत आपको देखने को मिलेगा। एंड नागालैंड में ट्राइब्स की बात करूँ तो यहाँ पे टोटल मतलब 16 या 17 ऐसे ट्राइब्स हैं, मेरे को कंफर्म नहीं पता बट मैं पूछ कर बता दूंगा। बट ये सर जो है ये कौन सी ट्राइब्स है मेरे को ये भी नहीं पता, मैं पूछना पड़ेगा मेरे को। तो सर लोग आज अभी है नहीं, अभी मतलब है नहीं क्या, अभी मतलब फ्रेश हो रहे हैं, उन लोगों को चर्च जाना है क्योंकि संडे वाले दिन सारे लोग चर्च में जाते हैं यहाँ पे नागालैंड में। तो चर्च में जो अपना जाएंगे उसके बाद फिर पता नहीं 11-12 बजे अराउंड आएंगे, तो हम भी चलेंगे ऊपर देखने के लिए क्या क्या है नहीं है। ठीक है जी, तो अभी चलते हैं फटाफट, पहले खाना बना लेते हैं। और यहाँ का जो भी नागालैंड का जितने भी ट्राइब्स हैं, तो मतलब सारे ट्राइब्स तो अभी कवर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जितना भी कर सकूँ मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि ये मैं पिछले काफ़ी सारे वीडियो में नहीं बताया। तो ठीक है जी, और आज हमारे वीडियो को लाइक कर देना, मेरा जो लाइक का टारगेट है वो ज़्यादा नहीं, 50 लाइक की टारगेट है, 50 पूरा कर देना, क्योंकि इतना तो आप कर ही सकते हो अगर ब्लॉग देख रहे हो। अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है जी, तो अभी चलते हैं, पहले खाना बनाते हैं। तो जी सुबह सुबह अभी अपना खाना भी बन रहा है, एंड इधर चाय आ गया सर की तरफ से, और अभी बैठकर खाना बना रहा हूँ। ऐसे वाली स्थिति में बैठा हूँ, नीचे चेयर वगैरह है बट खाना बनाने की वजह से नीचे बैठा हूँ, क्योंकि आग जल नहीं रहा है, थोड़ी थोड़ी करके जलाना पड़ता है। अभी पहले चाय पी लेता हूँ मॉर्निंग टाइम में। रात में ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ठंडी था यार। फूक फूक कर जलाना पड़ रहा है, अभी खाना बना रहा हूँ ना, ये फूकने वाला है, फूकने वाला है।
ऐसे ऐसे यहाँ पे किचन है नागालैंड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, एंड अरुणाचल के अंदर भी मिल जाएंगे ऐसे वाले किचन और ऐसे भूखने वाले। हमारे वाले साइड में तो पता नहीं ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि थोड़ा मॉडर्न हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो चुका है। तो अभी अपना इसमें चावल बन रहा है, तो उसके बाद फिर दाल बनाएंगे, चावल दाल थोड़ा सॉल्ट खाना खाकर फिर विलेज भी एक्सप्लोर करने जाना है यहाँ से। तो जी अपना खाना बन कर रेडी हो चुका है, इसमें चावल है बढ़िया वाले में, एंड इधर इसमें दाल बन गया, मसूर वाली दाल है काफ़ी अच्छा है, एंड उधर प्याज काट लियो। तो भाई साहब अभी खाना निकाल रहे हैं क्योंकि भाई साहब को थोड़ा ज़्यादा भूख लगी है। वापस नहीं 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 निकालो यार, मेरे को भी भूख लगी है। तो फटाफट अभी खाना खाते हैं, दाल और चावल, मतलब जल्दबाजी के चक्कर में ही बनाया शॉर्ट खाने में, नहीं तो यार शॉर्ट खाना क्या होता भाई ये। हाँ वही तो, मतलब मस्त वाले दाल चावल बस खाएंगे, नहीं तो बाकी का सब्जी वब्जी के लिए काफ़ी सारा सामान वहाँ पे पड़ा हुआ है बट बनाया नहीं क्योंकि टाइम नहीं हमारे पास, विलेज एक्सप्लोर करना है और आगे की ओर निकलना है। वैसे भी आज है संडे वाला दिन, तो नागालैंड में संडे को क्या क्या होता है आज हमारे साथ एक्सपीरियंस मैं देख लूँगा। ऑन द रोड जा रहा हूँ, शायद गाड़ी मिल जाए क्योंकि मार्केट वगैरह बंद होते होंगे, बट गाड़ी का तो मेरे को नहीं पता गाड़ी चलती है या क्या होता है, बट खा कर जाते हैं। तो जी ये रहा अपना दाल चावल बनकर रेडी हो चुका है, फटाफट खाते हैं एंड इसका रिव्यू देते हैं जो खुद से कुक कर रहे हैं। काफ़ी टेस्टी बना है, एंड इधर प्याज भी है, नमक सारा कुछ है। तो फटाफट खाते हैं फिर यहाँ से अपना विलेज घूमने की प्रोग्राम करते हैं। जी चलते हैं इस जगह को, टाटा बाय बाय करने का टाइम आ चुका है। कल रात में इधर मैं टेंट लगा लिया था, उधर भाई, और अभी अपना खाना वाना हो चुका है और चलते हैं। इधर ना काफ़ी अच्छे अच्छे मतलब घर में देखो कितने अच्छे मतलब सारे मतलब फ्लावर्स वगैरह, इधर आप देखो कितने मसूर लगा कर रखे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब ध्यान दिया गया है घरों पर। उधर वाले साइड में देखो कितना मस्त मस्त वाले फ्लावर है पूरा का पूरा, इधर देखो गार्डन की तरह। तो ठीक है जी अभी चलते हैं विलेज एक्सप्लोर करने के लिए और चलकर देखते हैं, क्योंकि अभी सर भी आया नहीं, नहीं तो सर से मैं मिलवा देता एक बार और, कल वाली ब्लॉग में तो मिलाया था, अभी वो चर्च में आया, तो चलकर देखते हैं ऊपर में ही जाते हैं, बैग भी अपना ले लिया साथ में, घूमकर फिर अपना निकल चलेंगे। हेलो भैया जी, हाँ जा रहा हूँ इधर घूमने, अभी घूम कर निकल जाऊँगा। तो जब भी चलते चलते आ गया हूँ ग्राउंड में, ये वाले जो आप ग्राउंड देख रहे हो फुटबॉल ग्राउंड है, ये ग्राउंड का गेट है, एंड एक भैया से आपको मिलवाने के लिए मैं भूल गया था, हमारे बड़े भैया जी आगे जा रहे हैं। भैया जी पीछे तो एक बार हमारे ऑडियंस को बता दो आपका नाम क्या है। मेरा नाम है यूनुम है। अच्छा, इसी गाँव का रहने वाला आदमी है हम। हाँ तो कल भैया ने काफ़ी हेल्प किया यार हमारा, अब क्या बताऊँ मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मैं ग्राउंड में आ गया हूँ। अच्छा आप लोग कौन से ट्राइब से हो, मतलब ट्राइब? हम लोग का ट्राइब तो कुनियाक है। कुनियाक है, कुनियाक ट्राइब, मतलब सबसे ज़्यादा नागालैंड में कौन से ट्राइब से रहते हैं? पॉपुलेशन में आता है कुनियाक, आता है कुनियाक सबसे ज्यादा। अच्छा, गाँव का नाम तो मोन है ये। हाँ मोन विलेज, मोन विलेज। तो जी ये कुछ ऐसा है ग्राउंड, स्टेडियम टाइप का, फुटबॉल ग्राउंड है ना, फुटबॉल ग्राउंड है, काफ़ी अच्छा है यार। अंदर चलकर देखते हैं, दो चार मिनट बैठेंगे घूमेंगे फिर निकल लेंगे विलेज की साइड में। और आज संडे वाला दिन है, आज सारे लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं, पूरा नागालैंड बंद होता है मार्केट वगैरह जो भी हो, तो आज संडे वाले दिन हम लोग घूमने निकल चुके हैं। ये रहा ग्राउंड, कितना मस्त लग रहा है ना, अंदर चलकर दिखाऊंगा आपको। तो जी कितना मस्त वाले ग्राउंड है देखो, ये वाले ग्राउंड, एंड अभी मैं ग्राउंड के अंदर आ गया हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के, और क्या ही बताऊँ मतलब काफ़ी खूबसूरत है। उधर वाले जगह पे ऐसे बैठने के लिए बनाया गया है स्टेडियम जैसा, फुटबॉल का ग्राउंड है और उधर बच्चे भी खेल रहे हैं, तो चल कर खेलते हैं। एंड कल ना मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ गया था, जो ये जो आप देख रहे हो ना इतना मस्त वाले ऐसे जो आपको जो दिख रहा है घास की तरह, आप इधर वाले साइड में देखो ऐसे, तो ये कल मेरे को लगा ना कि ये घास है, बट इसको ना कल जब ऐसे तोड़ने की कोशिश किया तो पता लगा इसके अंदर मैट डाला हुआ प्लास्टिक है, जितने भी आप देख रहे हो ना ये सारे प्लास्टिक का मैट डाले हुए, मैट की तरह है ये सारे, ऐसे मैट की तरह लगाए हुए, एंड वाइट वाले जो लाइनिंग भी है ना वो पाउडर नहीं है, वो सारे ऐसे ही मतलब। इधर भी दे दो मैं भी खेलूँगा, कैसे हो? हेलो हेलो कर दो सारे लोग। नहीं शर्मा रहे हो? ओहो शर्मा रहे बच्चे सारे, सारे बच्चे सर हमारे। तो ठीक है जी अभी चलते हैं। अभी मेरे साथ थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस हो गया, मैं भी गया था विलेज घूमने के लिए, तो
तो जैसे ही विलेज में एंटर मारा, ग्राउंड तो अभी घूम लिया। ग्राउंड घूमने के बाद जैसे ही मैं ऊपर की ओर गया थोड़ा अंदर वाले विलेज में, जैसे कि कल गया था, कल वाले ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा, तो वहाँ पे लोग ना थोड़ा सा मतलब अलग यार मतलब ट्रीट करने लगते हैं, बोलते हैं बैग। एक तो मैंने गलती कर दिया कि बैग लेकर गया था, क्योंकि इनके भी घर पर कोई नहीं था ना, सारे लोग चर्च में थे। एंड वो अगर होते क्या बोलते हैं जो अपना जो मेन हेड जो थे वो होते चेयरमैन, चेयरमैन मैं बोल रहा हूँ, तो वो अगर होते तो शायद बात बन सकता था, बट वो तो चर्च के अंदर थे और हम लोग इधर विलेज घूमने निकल गए, तो हमारे साथ थोड़ा ये बैड एक्सपीरियंस हुआ। काफ़ी सारे लोग वो बैग देख के बोलते हैं टेररिस्ट हो, ये हो, कहाँ से आए हो, पुलिस का परमिशन है या नहीं, थाने में मतलब बोल कर आए हो या नहीं, मतलब काफ़ी सारे तरह की बातें जो मतलब बताने लग गए। मेरे को आउट सा जैसा लगा कि शायद कुछ होना, क्योंकि लोकल वाले जो भैया जो अभी ग्राउंड तक जो गए थे वो चले गए दूसरे जगह, उनको कोई काम पड़ गया, मतलब बोले वो नहीं घुमा सके, क्योंकि कल वो शाम को मतलब लेकर गया थे ऊपर में टेंट वेंट वाली सारी जगह बताए थे, बट अभी उनका कोई काम आ गया वो निकल गया, तो ऐसे करके दिक्कतें आ गया, हम लोग अकेले पड़ गया, कोई लोकल था नहीं। और उनकी जैसे कुछ लोग तो थे जो जिनका लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ का नागामिस लैंग्वेज बोलते हैं और इंग्लिश तो पता ही है, इंग्लिश टूटी फूटी हुई वो भी नहीं विलेज वाले साइड में, तो दिक्कतें आ गया, मतलब समझ नहीं पाते। कुछ लोग तो सीधा बोलते हैं टेररिस्ट हो, ये वो, बैग में क्या है, मतलब अलग ही ट्रीट हो रहा था भाई। तो मैं सीधा नीचे आ गया हूँ, अभी विलेज में छोड़ दिया, अब यहाँ से सीधा मेरा जाने का प्लानिंग है आगे मोन टाउन, और आज है संडे वाला दिन, ये जंगल वाले रास्ते से मैं जा रहा हूँ। कल इधर से आया था? नहीं, इधर गया था जिम्मे वाले से, वही तो थोड़ा सा। तो अभी मैं जा रहा हूँ यार, मतलब कि कुछ भी हो सकता था यार, यहाँ पे ना सारे लोगों के पास गन रहते हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा देखा यार। क्या वीडियो बनाऊँगा उनके सामने, वीडियो बनाऊँगा कहीं कुछ हो गया गलत सलत, तो दिक्कतें वगैरह आते हैं। ऐसे तो नॉर्मल है, गन तो होती है, उसके लिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बट जैसे ट्रीट करते हैं जिस नज़रिए से देखते हैं हम लोगों को कि अलग है। मैं बताया भी मैं पंजाब से हूँ, टूरिस्ट हूँ, मतलब जैसे हम लोग जा रहे होते ना तो हर कोई मतलब एक बंदा फिर दूसरे बाद दूसरा मिल रहा है, बंदा हर बंदा मतलब रोकता है, सारी डिटेल फिर से पूछता है, प्लस उनको नागामीज आती, हिंदी आती नहीं है, तो हम लोग को भी ट्रांसलेट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती, समझ में आता नहीं लोगों को, उसके बाद मतलब बड़े बदतमीजी से बात करते हैं, मतलब देखते हैं जैसे कि हम लोग कोई टेररिस्ट हैं ऐसे ही, अपनी लैंग्वेज में वो बोलते भी हैं, क्योंकि कल भैया ने वो बताया भी था, लंगवा पंगा पता नहीं क्या कुछ बोल रहे थे टेररिस्ट, मतलब वो बता रहा था कि आप लोग को ये लोग टेररिस्ट समझ रहे हैं क्योंकि ये बैग वैग हैं, ये हम लोग पास इतने बड़े बड़े बैग देख कर पूछने लग जाते हैं ना कि बैग में क्या है, हम लोग बताते भी इसमें टेंट है, हमारे कपड़े हैं, लोग कहाँ समझते हैं यार यहाँ पे। वैसे भी कोई बात नहीं, मतलब ऐसे तो कल हम विलेज घूम ही लिए थे थोड़े बहुत दिखाने के लिए, वैसे भी यहाँ पे कुछ था नहीं, सारे मॉडर्न जैसे थे, क्योंकि ये थोड़ा अलग हो चुका है, पुराने ज़माने में कुछ थे नहीं दिखाने के लिए। बाकी का लकड़ी वगैरह वाले घर तो आपको पता ही होगा कैसे होते सारे, तो सेम था। अभी चलते हैं रोड पे एंड चेकिंग ट्राई करते हैं, देखते हैं कितने देर में चेक मिलने वाली है हम लोगों का। तो थोड़ा यही बैड एक्सपीरियंस था, बट कोई नहीं यार, ऐसा होते रहता है क्योंकि ये नागालैंड है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, मैं मतलब क्या बोलूँ, यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो आप कभी भी जाओ तो सेफ रहे ना, अच्छे से चलते हैं, ज़्यादातर कोशिश करो लोकल लोकल लोग मिल जाना। और नहीं, अगर आप जैसे आना भी चाहते हो ना तो अपना सबसे अच्छा है पैसे लेकर के आओ, बाइक या अपनी पर्सनल गाड़ी से आओ, कैब बुक करके आओ, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोगों की तरह आओगे तो ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे थोड़ी देर घूमने के लिए वो भी गाइड के साथ आ सकते हो, अकेले नहीं आ सकते कि यहाँ जैसे हम लोग आ गए, तो ये चीज़ का ध्यान रखो। बाकी जो यूट्यूबर्स बोलते हैं इतना बिलीव मत करो, क्योंकि सब कुछ नहीं बताते, नहीं बता पाते, क्योंकि ऐसा हम लोग को ने फेस किया है, लोगों ने बोला है यहाँ पैसे नहीं पड़ते, रहने को फ्री होता है, पर हम लोग जब जाते हैं तो पता चलता है पैसे पड़ते हैं वहाँ पे, तो ये चीज़ गलत है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है तो सारी दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए। नहीं, जो भी हो रहा है हमारे साथ मैं सच्चाई बता रहा हूँ, कल वाले जैसे हो गया था जो मतलब थे मेन हेड, उनसे बात हुई तो मतलब बात बन गया, कल मेरे को मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मैं पैसे वैसे पे किया हूँ। बाकी का विलेज का तो एक्सपीरियंस मतलब अलग ही रहा, क्योंकि सारे लोग मान नहीं रहते रहने के लिए, मतलब रखने के लिए, कौन अपने घर में रखेगा ऐसे, तो यही दिक्कत वाली। कोई नहीं जी, चलते हैं अभी हिचैक के लिए ट्राई करते हैं, देखते हैं आज कितनी देर में आज हमारी दिन की फर्स्ट हिचैक होने वाली है। मतलब अभी सड़क पर ही चल ही रहा था, आप देख लो, और एक खूबसूरत वाले नज़ारे मेरे को देखने को मिला, तो मैं सोचा आपको भी दिखा दूँ। देखो कितने मस्त वाले हैं ना माउंटेन इधर, मतलब आपको लग रहा होगा ऐसे, और उधर वाले में ना आपको शायद पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, इधर ना बहुत दूर दूर पे घर है यार, मतलब मान के चलो तो 400-500 मीटर के एवरेज में मतलब सारे एक एक घर दिख रहे हैं, पूरे माउंटेन पे ही घर है, पूरे माउंटेन पे घर है, ये पूरे माउंटेन पे, हाँ 200-300 घर है, लेकिन सारे दूर दूर पे है, एक घर के पास दूसरा घर मेरे को दिख नहीं रहा। तो ऐसे वाले हैं,
और काफ़ी अच्छा है इधर। आप देख लो, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ नीचे चला जाऊँगा, अगर जहाँ से मिस्टेक हुआ पत्थर से तो मैं नीचे चला जाऊँगा। बट कोई नहीं, ये थोड़ा प्यारा सा नज़ारा लेने का मन किया तो मैं साइड में आ गया। एंड ये तो नागालैंड का पता नहीं यार इधर का क्या चल रहा है, मतलब सारे सड़क पे ऐसे वाले धूल है ना, मतलब वाइट हो जाता हो यार शाम शाम तक, मतलब पूरा बाल धोना पड़ता है वरना पूरा बॉडी पूरा गंदा हो जाता है, बाल क्या पूरा फेस वेस काला पड़ जाता है। तो कोई नहीं, आज देखते हैं सारे गाड़ी आज उल्टे वाले साइड से आए जा रहे, उधर से इधर जा रहे, इधर की ओर उधर जा नहीं रहा, मतलब पता नहीं यार क्या होने वाला है। आज संडे है और संडे एंजॉय कर रहे हैं नागालैंड में, काफ़ी शांति शांति सा लग रहा है यार पहाड़ों के इधर, मतलब ज़्यादा दूर पर नहीं, इधर ही मेन मार बॉर्डर भी होगा बर्मा बॉर्डर पास में ही, क्योंकि यहाँ से 37 किलोमीटर है अपना लोंगवा विलेज। तो लोंगवा विलेज चलकर आज तो नहीं जा पाएंगे, आज मॉन टाउन में आज रुकने वाले हैं, क्योंकि आज वैसे भी संडे है, गाड़ी बहुत कम चल रही है। मॉन टाउन का यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 14 किलोमीटर के आसपास, तो कवर करना है 14 किलोमीटर, नहीं होगा तो पैदल चल लेंगे अगर लिफ्ट नहीं मिल पाया तो। और लोंगवा तो देखते हैं शायद ही पहुँच पाए, तो कोई नहीं चलते हैं जी। इधर वाले पहाड़ देखो कैसे है, वाह कितना मस्त वाले वाटरफॉल है। ये जो फ्लावर है ना फूल, पता नहीं ये ऊपर तक है, काफ़ी मस्त लग रहा है देखने में। एंड और भी आगे चलकर आपको दिखाता हूँ, काफ़ी मस्त वाले नज़ारे हैं। ओफ ओह, ऐसे वाले रास्तों से, ये नागालैंड का जंगल है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ऐसे ऐसे चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। कितना मस्त वाले फूल है ऊपर से आ रहे, देख लो यहाँ से। हालांकि मैं बहुत ही जल्द निकलूँगा, नहीं तो पत्थर वत्थर आ गए ना बस फालतू का दिक्कत वगैरह हो जाएंगे। नीचे चलता हूँ एंड इस वाले वीडियो को लाइक कर देना ऐसे ऐसे जगहों को घुमाने के लिए, दिखाने के लिए। चिलब्रोइट्स नागालैंड, नागालैंड के अंदर संडे वाले दिन को एंजॉय कर रहा हूँ भाई। इस वाले वाटरफॉल बहुत ही छोटा है बट काफ़ी खूबसूरत है। और अब तक जो है, अब तक हमें लिफ्ट नहीं मिल पाया, मैं अभी अराउंड 3 किलोमीटर चल गया हूँ मॉन विलेज से मॉन सिटी की ओर। और ऐसे वाले रास्ते हैं आप देख लो, डस्ट भरे हुए सारे, काफ़ी ज़्यादा डस्ट है यार रास्तों पे। तो अभी चलते हैं, देखते हैं अगर लिफ्ट मिल गया तो ठीक है अच्छी बात है, वरना पैदल ही चलते रहेंगे। 10-12 किलोमीटर और बच गया, 14 किलोमीटर था ना, 3 किलोमीटर चल गया, 11 किलोमीटर और बच गए हैं, 11 किलोमीटर कवर कर लूँगा। अभी टाइम भी काफ़ी ज़्यादा है, अभी 12:30 हो रहे हैं, अभी टाइम है। तो देखते हैं, आज तो लिफ्ट मिल नहीं पा रहा यार नागालैंड का। कितने शांति वाले है ना, शांति वाले नज़ारे, बहुत ज़्यादा शांति है। काफ़ी चलने के बाद अभी वहाँ से चलाऊँगा शायद 1-1.5 किलोमीटर के आसपास। एंड ये वाले जो मेरे को गेट देखने को मिला, वेलकम टू मॉन विलेज, तो हम लोग ना उधर वाले साइड से, मतलब बैक वाले साइड से एंटर मारा था। एंड मेरे को लगता है फ्रंट वाले साइड यही है, और मॉन टाउन जो है अभी आगे की ओर है, यहाँ से कुछ दूरी है। और इधर कुछ बैठने बैठने के लिए दिया गया है, और इधर आप गेट देख लो, काफ़ी अच्छा वाला गेट है। तो इसके अंदर से आप जा सकते हो ऐसे ही ऊपर होते हुए, इधर नेटवर्क भी होगा ना फिर तो, ऊपर में कल गया था तो हाँ ऊपर होगा, क्योंकि मेन जो है ना जाने का रास्ता इधर से है। तो अभी हमारा लिफ्ट अभी तक नहीं मिल पाया यार, क्या बताऊँ, मतलब दिक्कतें अभी आ रही है, देखते हैं गाड़ी अभी आएगी, ट्राई करते हैं। संडे वाला दिन अभी कोई आपको नहीं दिख रहा होगा, सारे काम वगैरह करने वाले, सारे गाड़ी बंद हुए पड़े हैं, ये सब रोड वाला काम चल रहा था। ये गाड़ी खाली है, ट्राई करना चाहिए था। तो ठीक है जी, अभी चलते हैं, ट्राई करते भी, एक गाड़ी खाली निकल गई वीडियो बनाने के चक्कर में, लिफ्ट नहीं ले पाया, मॉन टाउन पहुँचते हैं। ये आपको लगा कि आपको गेट दिखा दूं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग नहीं जानते हैं, तो देख लो ये ऐसा वाला गेट है, फ्रंट से अगर आओगे तो मॉन टाउन वाले से, वरना अपना सुनारी वाले से आओगे तो बैक साइड से उतर कर जा सकते हो, उधर वाले साइड से भी जगह। तो ठीक है चलते हैं। तो जी अभी ना मेरे को कुछ खाने को मिला है, ऐसे वाला नींबू है और ये छोटू है, ये छोटू प्यारा सा छोटू भाई, इसने दिया, भाई ने दिया खाने को, और भाई उधर से जंगल से लेकर आ रहा था। तो ये क्या बोलते हैं इधर तुम लोग अपने, मतलब लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, नींबू पानी। अच्छा नींबू पानी, नींबू की तरह अंदर होता है ना, घाघर वाले जो नींबू नहीं होता, मैं अरुणाचल वाले साइड में भी खाया था, बस सेम वैसा ही है। तो छोटू तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा इसी मॉन विलेज से हो? ओहो तो यार अभी भूख भी लगी थी तो इसको पहले बैठ कर खाते हैं, यहीं पे बैठ जाते हैं खाते हैं, उसके बाद चलते हैं। यार वो बहुत ही हैवी होता है, इसको पता, इसको मतलब तरीका मेरे को पता है कैसे खाया जाता है। अब भाई भाई को तो मतलब अब भाई भाई को कुछ पता ही नहीं है क्या है नहीं है, मतलब ये नहीं भाई है, अरे ऐसे खाते हैं, बड़ा वाला नहीं होता वो बोलिए। तो यार बताओ यार, ऐसे मेरा छोटा भाई, भाई ने दिया, काफ़ी अच्छा लगा, इसको खाते हैं, खा कर देखते हैं, ट्राई करते भी। तो
उसी जगह पे हूँ, अब तक लिफ्ट नहीं मिल पाया यार। पका हुआ है ना छोटू? पका हुआ है ना ये? चलो कोई नहीं, यहीं पे बैठ कर खाता हूँ इसको। 10 रुपए दे दो भाई। क्या दस भाई यार, कुछ मांग रहा था प्यार से, छोटा भाई है, मांग तो नहीं रहा था, छोटू को चाहिए नहीं, लेकिन हम प्यार से दे दे रहे हैं। बिस्किट वगैरह खा लेगा, रख लो, रख लो, रख लो, थैंक यू हम लोग को देने के लिए। तो बाय बाय, अपना मिल गया नींबू, खा के देखते हैं, महंगा नहीं है, जो था अपने पास दे दिया भाई को। यार उसका दिल देखो, ये तो पूरा पका हुआ है, और ये ओहो कैसा मेरा हाथ हो गया, ऐसा पूरा गीला हो गया। कोई नहीं, मैं इसको पहले छीलता हूँ पूरा, जिसका जितने छिलके ना, कितने मोटे वाले गद्देदार है, गद्देदार वाले, इसमें से बहुत ऐसे निकलते हैं, देखो ये देखो पानी की तरह निकलेंगे। पूरा पका हुआ है ये, खाने में काफी मीठा लगने वाला है। मैं अभी ना मॉन टाउन में आ गया था, और उधर वाले में आप देख सकते हो, उधर पूरा लाइट वाइट दिख रहा है, पूरा सिटी एरिया है। एंड इधर वाले साइड में आपको जो लाइट दिख रहा होगा, और ये जो है ये मंदिर है यहाँ पे, तो मंदिर के पास जस्ट उधर वाले साइड में ना वहाँ पे थाना भी है, तो पुलिस स्टेशन। तो यहाँ पे मैं आया, तो आज संडे वाले दिन था, आज आपको पता होगा पूरा का पूरा मार्केट आज बंद था यहाँ पे, तो किसी भी तरह का मतलब मार्केट एक्सप्लोर नहीं कर पाया। तो कोई नहीं, तो यहाँ पे आया मंदिर में, आने के बाद जो वो पंडित जी से, पुजारी जी, उनसे परमिशन लिया रहने के लिए, तो उन्होंने बोला कि पहले आपको पुलिस स्टेशन में पूछना पड़ेगा। तो वैसे भी पुलिस स्टेशन मेरे को जाना ही था, क्योंकि परमिशन के लिए आके मैं जा रहा हूँ लोंकवा विलेज, तो वहाँ पर दिक्कत होती है परमिशन का। तो ऐसे करके मैं पहले गया पुलिस स्टेशन में, तो पहले वहाँ पर गया, तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें आ गई थी, वो ILP वाला, क्योंकि मैं जब अप्लाई किया था तो उसका अप्रूवल मिल नहीं पाया था, थोड़ा लेट हो गया 1-2 दिन। तो ऐसे करके मतलब दिक्कत आया, बट दिक्कत और कुछ वाली बात नहीं, उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे रह सकते हो कल तक, या मतलब जो भी हो, जैसा भी होगा अपना, मेरे को अप्रूवल मिल जाएगा कल तक ILP का। तो कल यहाँ पे सारा प्रोसेस करके कल थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगा सिटी वाला साइड, और उसके बाद फिर यहाँ से आगे चला जाऊँगा। एंड इधर दोनों छोटू है, तो दोनों छोटू हेलो, नाम क्या है? यश। तुम्हारा भाई? अच्छा, तो ये दोनों पुजारी जी के लड़के हैं, ठीक है। और उधर भाई साहब अभी फ्रेश फ्रेश होकर आ रहा है। तो ये वाली आज मतलब जो हुआ, मतलब यही यहाँ का मौन का, आज संडे था, इस वजह से करके थोड़ी सी दिक्कतें वगैरह आया, बाकी का तो मतलब जो भी है सिटी वगैरह एक्सप्लोर नहीं कर पाया, कल देखता हूँ, कल करूँगा, और थोड़ी बहुत जो भी काम है उसको कल पहले क्लियर करके फिर उधर वाले साइड में जाऊँगा। और अभी यहाँ पर ना 2 यूट्यूबर और मिले थे, 2 ट्रैवलर थे भाई, तो मतलब अभी नया नया ही चैनल स्टार्ट किया, दिल्ली वाले साइड से थे, तो अभी यहाँ पर आए थे। उन्होंने बोला वहाँ पर आप जाओगे जैसे लोंगवा विलेज, तो किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट जाते हैं, वहाँ का जो लोगों का जो है मतलब है एक्सपीरियंस वगैरह काफ़ी अच्छा रहता है। और इधर जैसे मौन विलेज में मैं कल रुका था, तो कल का एक्सपीरियंस पता होगा एंड आज का एक्सपीरियंस पता होगा आपको, तो ऐसे वाली दिक्कत आया। तो चलिए कोई बात नहीं, कल देखते हैं कल क्या हो पाता है यहाँ से, जैसा भी होगा पहले सिटी एक्सप्लोर करूँगा इधर वाले कुछ जो सिटी है उसके बाद फिर। एंड अभी हमारा चाय भी बन रहा है यहाँ पर, सारा सुविधा वगैरह है, तो गैस का मेरे को मिल गया मेन, तो पहले चाय अपनी बना रहा हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं चाय बनेगा उसके बाद फिर चाय पहले पीते हैं। और खाने में तो आज शॉर्ट ही मतलब कुछ कुक करने वाले हैं, तो आज देखते हैं क्या होने वाला है।